2020 के कामयाब टूर के बाद एक बार हमने फिर प्लान किया फॉर द ऑटम ट्रिप 2021। इस बार हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त खालिद, मुस्तफ़ा और जहीर भाई थे। इस बार का यकीनन टूर बहुत स्पेशल होने जा रहा था, क्योंकि इस बार यह टूर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्तों के साथ होने जा रहा था। सो गाइस, हमेशा की तरह जैसे आपने हमारे और भी ट्रिप्स इंजॉय किए हैं, तो इंशाल्लाह आई होप कि ये ऑटम ट्रिप भी आप बहुत इंजॉय करने जा रहे हैं। Assalamualaikum guys, once again we are on the way to autumn trip for the 21, once again after August, एक बार फिर से, और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त खालिद भाई, और उनकी बाइक के प्रॉब्लम से जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर आफियत से हमारी राइड कंप्लीट करे। आज का जो हमारा प्लान था वैसे 12 बजे निकलने का था, और सर सलमान हमारे साथ हैं, भाभी अफशा हमारे साथ हैं, थैंक्स टू सर सलमान एंड भाभी अफशा के वो हमें सी ऑफ करने के लिए यहाँ तक आए। ये सर सलमान जा रहे हैं आपके सामने, और इस बार हमारे साथ जो दोस्त हैं मुस्तफ़ा हैं, जहीर भाई हैं और खालिद भाई हैं। अभी हम आगे कहीं रुकते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी निकले हैं, मतलब शाम के तकरीबन 6-7 बज रहे हैं। वी आर काफ़ी लेट, क्या बोलते हैं, वी आर काफ़ी लेट। 2017 के बाद बाइक टूर्स जिंदगी में ऐसे इन हो गए जैसे कि ये एक जिंदगी का बहुत खास हिस्सा बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BMTG हैदराबाद के इंतहाई सीनियर मेम्बरान मुस्तफ़ा चारन और नियाज बलोच, जिनको सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने दो साथियों के साथ जहीर भाई और अमजद भाई, खालिद भाई जिसको हम डाडा बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद बाईपास से हम निकल रहे हैं, ये दो सारे अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त खालिद भाई, और जिसकी वजह से हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं, और काफ़ी हम लेट हो चुके हैं हैदराबाद से निकलते। उसकी वजह ये है कि हमने एक बाइक जो है बिल्टी करवानी थी फैसल मूवर्स में, 125 बाइक था वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त जहीर भाई का। अभी हम समझ लें कि हैदराबाद से तकरीबन कोई हम अभी निकले हैं, इतना लेट हो चुके हैं कि अभी काफ़ी हम आगे भी लेट हो सकते हैं। खैर, अब दुआ कीजिएगा, अब आगे आगे देखते जाएं होता क्या है। हैदराबाद से निकलने का प्लान तो काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग रखा गया था, जो कि काफ़ी लेट हो गया, जिसकी वजह ये थी कि ऑन द डे जब हम निकलने ही वाले थे, जब हम अपनी बाइक्स के ऑयल चेंज कर रहे थे, इस दौरान खालिद भाई की बाइक का जो ऑयल चेंज करने का नट होता है नीचे, वो स्लिप हो गया, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, और हमने एक दूसरी बाइक जो हमारे पास एक्स्ट्रा थी, उस बाइक की हमने नट वाली जो प्लेट होती है वो प्लेट निकाल के हमने इस बाइक में लगाई, जिसके बाद और भी काफ़ी काम थे, जैसे कि हमने जहीर भाई की बाइक बिल्टी करवानी थी फॉर द रावलपिंडी, अभी वो भी काफ़ी काम रहता था, जिसकी वजह से हम सुबह के 12 बजे निकलने वाले, हम रात को तकरीबन 8 बजे हैदराबाद से निकले। मोरू हम पहुंच चुके हैं, मोरू यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, मतलब याद
आधे से पौने घंटे का ब्रेक देते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चाय पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होके देन राइड कंटिन्यू करते हैं। ये देखो लाइट्स बहुत तंग करती हैं आगे वाली, आगे आएगा सुपर मदीना, सुपर मदीना पर ब्रेक देते हैं और नमाज पढ़ के चाय पी के फिर आगे मूव करते हैं। सुपर मदीना तो आ गया लेकिन लगता है 4:30 आगे ही निकल गए। चलो जी सुपर मदीना कैंसिल हो गया, वो थोड़ा आगे निकल गए हैं, अभी हम जाके रुकेंगे डाइवो टर्मिनल पे क्योंकि वो भी वैसे भी निकल गए हैं तो पीछे में उनको नहीं बुलाया। मेरा मूड ये था कि सुपर मदीना पे ब्रेक नहीं, चलो अब वो आगे निकल गए तो खैर है, सो के गोली द ग्रेट। हमेशा मैं ट्रिप पर जो है जब भी जाता था मैं अपने दोस्तों को बड़ा मिस करता था, फाइनली इन्होंने जो है कमाल करके दिखाया है, ज़हीर भाई और मुस्तफ़ा भाई। और सडनली जो एक बहुत बड़ा कमाल हुआ है वो ये हुआ है कि हमारा बहुत जिगरी दोस्त खालिद भाई, उसने भी जो है अचानक प्लान बना दिया, अभी मैं भी चल रहा हूँ तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें अपने रहम व करम में रखे और अल्लाह पाक जो है हमारा सफ़र खैर वाफियत से मुकम्मल फरमाए। मोरो सिटी तो आ गया है, अब ये डिबू टर्मिनल किधर है ये काम कर दे, यहाँ से पूछ लेते हैं, ऐसा ना हो कि वो आगे पीछे हो जाए मैं कहीं और चला जाऊँ, तो बेस्ट यही होगा कि पूछ लेते हैं यार। ये बहुत मुस्तफा भी तो पीछे आ गया, सामो सुपर मदीना होयो डेवू किथे आ डेवू तो कोना है सुपर जमाली आ यार उने देवे हो डेवू पोइते आ घणो हेलो डेवू तो यो होटल होटल ना है वॉशरूम आ सुपर मदीना बेस्ट आ यार। चलो जी वही बात हुई सुपर मदीना वाली, क्योंकि उन्होंने कहा कि डेवू में यार वो सीन नहीं है कोई रेस्टोरेंट वगैरह का, मैंने कहा यार मैंने इसलिए कहा कि उधर रुको, भूख भूख भी लगी है, खाना वाना भी खाएंगे। सही है ने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मोरो से रवानगी, यहाँ पर नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया और चाय पी। ज़हीर भाई ओज़र भाई क्या बताना चाहोगे, मज़ा आ रहा है ना? अच्छा मतलब जैसा ट्रैवल स्टार्ट हुआ है आपकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो कैसा लग रहा है? इतना सोचा था जितनी परेशानी है लेकिन अलग कुछ नहीं होता, पता है निकलने से पहले काफ़ी ना बंदा कुछ नहीं होता। और भाई मुस्तफ़ा तू कुछ बोल यार, भाई ये मुस्तफ़ा गोली वही है जिसको मैंने हर जगह पुकारा है उधर, गोली 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 आखिर गोली फाइनली आपके साथ हम आ गए, फाइनली गोली आखिर जो है ना गैरत की गोली खा गया। और खालिद भाई हमारे साथ अभी वो शायद अंदर वॉशरूम गए। अमजद भाई ओ सामने आ रहा है अमजद भाई,
मोरो में एक शॉर्ट ब्रेक लगाया, खाना खाया, चाय पी, नमाज पढ़ी, जिसके बाद हमने अगेन रुख किया हाईवे का। अब आगे हमने काफ़ी सफ़र करना था। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था ज़ाहिर पीर। टाइम काफ़ी क्लोज होता जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी सवारी है, जितना रोको कोई मसला नहीं बनता। बाइक टूर्स के यही फ़ायदे होते हैं, अगर आप अपनी सवारी पे जिस भी सफ़र पर निकलते हैं वो आपको सफ़र काफ़ी ईजी गुजरता है, क्योंकि आपको कोई रोक टोक नहीं होती। आप कहाँ ब्रेक लगा रहे हैं, कहाँ पर रुक रहे हैं, ये सब आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होता। जी गाइस, फाइनली हम रोड़ी बाईपास पहुंच गए हैं। यहाँ से हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे सीधा, आगे शेल पंप पे हम फ्यूल अप करवाएंगे। उसके बाद देखें 5-10 मिनट का ब्रेक देके, क्योंकि यार कल से हमने नींद सही नहीं की, नींद काफ़ी आ रही है ना अभी, उसके पहले जो ख्वारियाँ हुई हैं वो तो अलग हुई हैं। इस तरफ हम जाते हैं तो सखर जाता है, अभी हम रोड़ी बाईपास की तरफ जाएंगे। बल्कि मैं यहाँ थोड़ा वेट कर लेता हूँ दोस्तों का, आगे कहीं रुक जाता हूँ, यहीं पर रुकना पड़ेगा यार। ये है जी टोटल, बस आगे है शेल। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ठंड काफ़ी लग रही है यहाँ। अभी कोई 4:15 बज रहे हैं, क्योंकि एक दो ब्रेक लगाए और उसके बाद फिर अभी जो है रोड़ी बाईपास पर हमने ट्राई किया कि हाई ऑक्टेन मिले, लेकिन वहाँ पर नहीं मिला, तो हमने सुपर जो है ना शॉर्ट ब्रेक डेयर की, नमाज पढ़ी, चाय पी, अभी तैयारी है आगे जाने की। ज़ाहिर भाई ज़रा बताओ, मज़ा आ रहा है? अच्छा, बिजी है। भालू साहब, खालिद भाई ने भाई ज़बरदस्त राइड की है, बड़ा बेहतरीन। और गोली 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 किधर उड़ रहा है? हाँ चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके राइड को कंटिन्यू करते हैं, अभी काफ़ी राइड रहती है। या अल्लाह, अपने रहम करम मेरे परवरदिगार। सुबह हो गई मामू, 7:15 से पहले ही 8 बजे निकले थे हैदराबाद से, और सुबह हुई है हमें 7:15 से 70 किलोमीटर पीछे हम।
फाइनली वही जस्ट एंटर्ड इन पंजाब। मज़ा आ गया यार, सुबह की राइड बड़ी कमाल, मेरी आवाज़ तक बैठ चुकी है। इसकी वजह यही है कि नींद नहीं कि दो दिन से, निकलने से पहले भी नींद कोई खास कंप्लीट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सात का बाद हम तकरीबन मेरे ख्याल से बस पहुंच चुके हैं, सामने ही हैं पंजाब में हम एंटर हो चुके हैं। और अभी हमने 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट और राइड करनी है रहीमिया खान क्रॉस करके। हमने ब्रेक लगानी है ज़ाहिर पीर में, ज़ाहिर पीर जहाँ पर हमारा बहुत प्यारा दोस्त हाजी इकबाल भाई इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पास जाना है और उन्होंने कहा भाई आपने हमारे पास स्टे करना है तो इस बार भी उधर ही स्टे करना है, इस बार आपसे मिलाएंगे। हज साहब को पिछली बार नहीं मिलाया था। खैर सात का बाद हम एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ से आगे रहीमिया खान, रहीमिया खान के बाद ज़ाहिर पीर है राइड कि इस बार आपके भाई ने ड्रोन लिया है मैविक एयर 2 ताकि आप मेरी इस जर्नी को थोड़ा ज़्यादा जो है ना इन्जॉय कर पाएँ। तो आगे इंशाल्लाह ज़ाहिर पीर में पहुँच के ना हम कुछ ड्रोन शॉट लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही ये जा रहे हैं जी ज़ाहिर भाई और मुस्तफ़ा भाई। ज़ाहिर भाई भी अपनी बाइक राइड करेंगे रावलपिंडी के बाद। इनकी 125 है तो 125 इनकी जो है ना हमने रात बस में चढ़ा दी। मैंने कहा नहीं यार इधर से आप 125 राइड नहीं करो। इनका था शौक़ बहुत ज़्यादा यार मैं यहाँ से ही करता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि 2018 के ट्रिप में मेरा एक्सपीरियंस है एक दोस्त के साथ, उन्होंने 125 पे राइड की थी हैदराबाद से ही और उनकी हालत पहुँचते बुरी हो गई थी, पहुँचते उनकी भी हालत बुरी हो गई थी और 125 की भी हालत बुरी हो गई थी। तो आगे उनकी फिर जो ना उस तरह की मज़े की राइड नहीं हो पाई नॉर्थ में। ओके जी गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इधर सात का बस से थोड़ा ही आगे हमें हाई ऑक्टेन फ्यूल मिल चुका है। ओए होए 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 अल्लाह दे बंदे क्या कर देता, ट्रिप नहीं हुआ यार। कहां देख रहे थे गड़बड़ हो गई यार, सारा फ्यूल गिरा दिया। क्या हो गया यार, वो ट्रिप नहीं हुआ ना, ये हालात हैं जी। भाई साहब ने तो हमें ओए होए डरा दिया यार। हम अपने ब्लॉग में लग गए, भाई साहब ने पेट्रोल सारा गिरा दिया इधर, पैंट वेंट मेरी पेट्रोल कर दी। खैर खैर कोई मसला नहीं है, होता है, मुझे वो डर था कि आग वाग ना लग जाए। पेट्रोल पंप वाले भाई साहब ने तो एक गिफ्ट दे दिया, वो ये कि मेरे ऊपर सारा पेट्रोल गिरा दिया। लेकिन हमने भी उसको नहीं छोड़ा, हमने कहा हम आपके पास थोड़ी देर बैठेंगे और चाय पियेंगे। इस दौरान मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पर थोड़े बहुत ड्रोन शॉट हो जाए। ओके गाइस लेट्स राइड। यो मजो बारण वा दता गाइस। तो हमारे टूर का सबसे पहला पंचर जिसका अवार्ड जाता है खालिद भाई को, जो इस वक्त बड़ी बुरी हालत में खोया हुआ है। वेल ऑब्वियसली उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके साथ ये मसला हुआ है और फर्स्ट टाइम वो ये ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। खैर पंचर भी बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि पंचर जो उसका हुआ है कोई कील वील से नहीं हुआ, उसमें इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा लगा है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बड़ी खुआरी हुई है, हम 7 बजे पहुंचने वाले थे ज़ाहिर पीर, लेकिन अभी तक हम नहीं करें। यकीनन ये काफ़ी फ़नी मोमेंट रहा क्योंकि
जब भी हम सफर पर निकलते हैं हमारी बाइक्स पंचर हुई हैं, लेकिन कभी कभी कील लग जाती है, कभी कोई तार लग जाती है, कभी कोई सुई लग जाती है। खालिद भाई का पहला टूर और खालिद भाई का पहले टूर में पहला पंचर वो भी किसी कील से नहीं हुआ, जिस चीज़ से हुआ वो तो आपने देख लिया। खैर, काफ़ी ये मोमेंट्स भी मज़े के थे, हमारे लिए तो मज़े के थे, लेकिन जिसके साथ हुई आप उससे पूछिए कि उसके साथ क्या हुआ। जो कि हमने अर्ली इन द मॉर्निंग ज़ाहिर पीर पहुंचना था, लेकिन हमने इतनी लेट कर दी, तकरीबन दिन के 11 बज रहे थे और अभी हम तकरीबन कोई एक घंटा पीछे थे ज़ाहिर पीर से, और फिर जाके हम पहुंचे ज़ाहिर पीर और आके हम मिले इकबाल भाई से। जी गाइस, ये हैं हाजी इकबाल भाई जिसके पास हम हमेशा रुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई इकबाल भाई, यही यादें होती हैं भाई। दो दिन के तवील सफर के बाद हम पहुंचे ज़ाहिर पीर। ज़ाहिर पीर पहुंचने के बाद हमने पहुंचते ही और कुछ नहीं किया, हम सारे लेट गए, हम सो गए। शाम को उठने के बाद जब हम इकबाल भाई से मिले तो फिर वो ये लम्हात है। तो यार मैं कह तो दुनिया के निकम्मे बंदे। बोलो 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 बोलो। घर टिकते ही नहीं। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी जाओ खैर से जाओ। भाई हमारे लिए आपको मिलाते हैं इकबाल भाई से। इकबाल भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई हैं, और पिछली बार जब आपने हमारी ऑटो में जर्नी देखी थी तो भाई खालिद का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब हम निकले वहाँ से, तो खालिद ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, राइड जो की है, बाय गॉड बहुत जबरदस्त राइड की है। हालत अभी इतनी बुरी है कि बस दिल कर रहा है भी सो जाए। हम यहाँ पर पहुँचे थे कुछ 12 बजे, बाइक खालिद भाई की बाइक पंचर हो गया, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। उसके बाद से डे टाइम की जो रहा यहाँ की राइड होती है बहुत, वो हमारे लिए राइड होती है, तो वो बड़ी मुश्किल से हमने करके लेना। इकबाल भाई के पास जब पहुँचे तो ज़बरदस्त देसी जो है ना फूड खाया, खाना वाना खा के साग शाग खा। खैर अभी हम सोते हैं, अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि हम कल सुबह इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से, देन इंशाल्लाह हम नॉन स्टॉप राइड करेंगे फर्दर ओवर इंडिया। अब आगे देखें क्या होता है, कंडीशन वो आगे पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।